यार भोले बाबा बैठे, ऐसे नहीं लग रहा पूरे। ओ माय गॉड, वंस अगेन आखिरकार 2 साल के बाद वो मोमेंट आ गया है। यस, वी आर फाइनली गोइंग टू केदारनाथ। और ये हमारा देखिए पीछे खड़ा हुआ ट्रैवलर मैंने पूरा बोला ट्रैवलर जो कि इसकी सारी पैकेज डिटेल्स मैं आपको बता दूंगी। अभी हम मॉर्निंग में पहुंच जाएंगे हरिद्वार, वहाँ की आरती दिखाएंगे आपको। जय बोला। अभी हम कुछ खाने के लिए रुके हैं, तो लेट्स सी खाने में क्या मिलता है। ये देखिए शिवा टूरिस्ट करके कुछ है। और गाइस रैली में मतलब हल्की हल्की सी ठंड है और मौसम अच्छा है, तो अब देखिए वहाँ पे शायद बर्फ़ भी पड़ रही है। देखते हैं कैसा वेदर मिलता है हमें अभी। लेकिन स्टार्टिंग में तो अभी हम बहुत एक्साइटेड है, फाइनली हमारा एक सपना केदारनाथ जाने का पूरा हो रहा है। तो आप बने रहना इस पूरी वीडियो में गाइस। है 4:30 और हम है हरिद्वार हरिद्वार पहुंच गए हम सुबह 4:30 बजे। और देखिए लेकिन यहाँ का पानी का फ्लो थोड़ा कम लग रहा है, आपको दिख रहा होगा पानी पहले से बहुत कम है। हाँ हेलो गाइस, देखिए हम नहाने की सोच ली हमने, बना ली चाहे कितनी भी ठंड हो। तो पहले जा रहे हैं नेहा जी चलिए लगाइए डुबकी, दिखाइए हमारे दर्शकों को ठंड कैसे लगाते हैं डुबकी। गंगा कितनी प्यारी लग रही है बहती हुई। और सुबह के बज रहे हैं 6:30। हमने कर ली है गंगा आरती अटेंड। और अब दूर देखो भैया बर्फ के पहाड़। हम जा रहे हैं केदारनाथ। ये देखो सनराइज होने वाला है, तो ब्यूटीफुल। और ये हमारे ट्रैवलर के साथ जो लोग आए थे वो है, काफ़ी स्वीट है, बहुत सारे सभी दिन बहुत अच्छे हैं। दीप बहुत अच्छा लग रहा है। हमने स्नान भी कर लिया है और अब हम आगे की यात्रा के लिए निकल रहे हैं। यस, गुप्तकाशी के लिए। यस, जय भोलेनाथ। ब्यूटीफुल, देखो भैया भोले बाबा, अरे मेरे बाबा जी। ब्यूटीफुल बच्चू, क्या तू सुन ले मेरे दिल का ये ऑर्डर। अब सुन ले आगे कौन सा गाना है, सुनेगी कभी। क्या बोलता तू, क्या मैं बोलूं, सुन सुना आगे मैं कंटाला, क्या करूं आगे मैं कंटाला। अरे घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या, ऐश करेंगे और क्या। देखिए ये है देव प्रयाग संगम, जो कि हमारे केदारनाथ के रास्ते में पड़ा है। ब्यूटीफुल। ये देखिए भैया, देव प्रयाग के लिए रास्ता पार करने का पुल, बहुत ही ब्यूटीफुल है। हाँ आ जाओ, आवाज सुनो आप, इतना मस्त लग रहा है। ये पत्थर का है, टंग टंग, वाओ। तो मणिकरण याद आ गया मुझे। ओह माय गॉड, वाओ। awesome. हम शिव जी के और करीब जाते जा रहे, देखिए पुल हिल रहा है। ओह माय गॉड, ये मणिकरण में भी ऐसी कर रही है। नाइस, वेरी नाइस। संगम घाट देव प्रयाग। तो हम आ गए हैं वहां से चढ़ाई करते हुए, सामने से रोड से दिख रहा है। यहाँ पे उसे बहुत छोटा दिख रहा था, ज्यादा मसला बड़ा है। तो चलते हैं उधर, खाली है। रुद्रप्रयाग गाइस देखिए, हम आ गए हैं धारा देवी टेम्पल। ये देखिए कितना ही ब्यूटीफुल सा है इस टेंपल के बारे में। गाइस देखिए, हम धारा देवी टेंपल में आ गए हैं और अभी हम नीचे जा रहे हैं। मंदिर हमें ऊपर से दिख रहा था, बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये देखिए इस तरफ है, अभी हम चलते हैं अंदर। गाइस हम पहुंच गए हैं गुप्तकाशी केदारनाथ। यहाँ से केदारनाथ जो है 33 किलोमीटर की दूरी, 54 किलोमीटर की दूरी पे है। देखिए वो बोर्ड लगा हुआ, 54 किलोमीटर है केदारनाथ एंड जो गौरी कुंड है 33 अराउंड है। और यहाँ पे हमारा टाइम ड्राइवर खड़ा हुआ है। पीपल्स जितने भी हमारे साथ आए थे वो सब खड़े हुए हैं, बहुत अच्छे पर्सन है सब। देखते हैं अंदर क्या होता है उधर। गाइस देखिए, ये हमारा फोटो है काशी में, आपको दिखाती हूँ। ये ऐसे नीचे से जाने का है और मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। ये फर्स्ट रूम, ये हमारा, ये देखिए इसमें हम 3 गर्ल्स हैं। ये रूम हमारा और एक ये देखिए रूम अच्छा है और वॉशरूम भी क्लीन है। साफ है और मतलब अच्छी जगह पे रहना है। ये दूसरा होटल है यहाँ पे और हमारे साथ के लोग हैं। ये और ये भैया, हेलो भैया, सही लगा आपको रूम? हाँ अच्छा लगा। चलो ठीक है, तो आपके साथ 4 लोग हैं। अच्छा नहीं वीडियो बाकी के। ये रूम है, हम 15 लोग हैं। ये कपल रूम है, देखिए जो क्यूट से कपल यहाँ पे रह रहे हैं। ये क्यूट कपल है, आई लव देम। और ये दूसरे कपल है, वाह इनका रूम भी अच्छा है। ये देखिए गाइस, यहाँ से व्यू देखिए। ओह माय गॉड, ये तो कैलाश पर्वत यहीं से दिख रहा है। वाह। आप बोले बाबा दीजिए। ऐसा व्यू होटल से मिल जाए तो और क्या चाहिए दोस्तों। ब्यूटीफुल। ट्रैकिंग शुरू करने वाले सुबह 3 बजे से ही तैयार हो जाएंगे। अब हम थोड़ा थक गए हैं, खाते पीते हैं, रिलैक्स करते हैं और फिर आपको बाकी की बताते हैं। जय भोलेनाथ। हमने जो पैकेज बुक किया है उसमें हमें डिनर मिला है, 3 डिनर और 3 ब्रेकफास्ट, जो कि आंटी बना रहे हैं। देखते हैं इनका खाना कैसा लगता है। सब लोग हो चुके हैं रेडी, तो अभी हम चलते हैं, खाते हैं कुछ, फिर हमें सुबह जल्दी निकलना है। ये देखिए आप, ब्यूटीफुल रात में गुप्तकाशी। यहाँ से एक झरना भी बह रहा है, पास से आवाज़ आ रही होगी आपको। रात में तो बहुत ठंड है बॉस। हाँ, देखते हैं कैसा टेम्परेचर मिलता है। तो चलिए खाना मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या हमें मिलने वाला है। देखिए गाइस, हमारा खाना आ चुका है। सब के सब बहुत ज़्यादा सुबह से थके हुए हैं और जाके फाइनली उनको खाना मिला है। बताएंगे कैसा लगेगा खाना। खाते हम भी। ये हमारा खाना, रोटी, सब्जी और ये दाल। बताइए, खाइए।